एक समय की बात है, एक चूहा जंगल में भोजन की तलाश में जा रहा था कि तभी उसके सामने एक लोमड़ी आ गई। अरे वाह चूहे, मुझे बहुत भूख लगी है, आज तुम्हारा ही भोजन करूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, यहाँ पास में ही एक बहुत भयानक जानवर रहता है, वो मेरा दोस्त है। उसके पूरे शरीर में बाल ही बाल है, लंबे लंबे दांत है, अगर तुमने मुझे कुछ किया तो वो तुम्हें मार देगा। लोमड़ी डर गई और अपनी गुफा में वापस चली गई। चूहा मजे से धीरे धीरे चलने लगा, उसका यह उपाय बहुत काम का था। रास्ते में उसे उल्लू मिला। अच्छा हुआ तुम आ गए, आज मैं तुम्हें खाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, अगर तुमने मुझे कुछ किया तो जिस पेड़ पर तुम रहते हो वही मेरा दोस्त आकर अपने बड़े दांत और नाखूनों से तुम्हें मार डालेगा। उल्लू सुनते ही अपने पेड़ पर चला गया और डर गया। आगे चलकर चूहे को ठीक वैसा ही राक्षस मिला जिसके बारे में उसने उल्लू और लोमड़ी को बताया था, और वह बहुत बुरी तरह डर गया। अरे इतना भयानक राक्षस, भगवान मेरी मदद करो। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मुझे खाने की सोचना भी मत, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे खाकर कोई फायदा नहीं, मुझसे सब कितना डरते हैं जानते हो? तुमसे कोई डरता है? दिखाओ मुझे कौन डरता है तुमसे। आओ मेरे साथ। उस राक्षस को चूहा अपने साथ लेकर उल्लू के पेड़ के पास पहुंचा। चूहे और राक्षस को साथ देखकर उल्लू बहुत डर गया, और यह देखकर राक्षस बहुत हैरान हुआ। आगे चलकर लोमड़ी की गुफा आई और चूहे ने कहा, लोमड़ी बाहर निकलो, मेरा दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। जैसे ही लोमड़ी बाहर आई, राक्षस को देखकर वह डर गई, और राक्षस को लगा कि यह चूहे की करामात है, चूहे का खौफ है। राक्षस बहुत बुरी तरह से डर गया और वहाँ से भाग गया। अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी, उल्लू और राक्षस सबसे बच गया छोटा सा चूहा। बारिश और बिल्ली। एक दिन बिल्ली मोर को नाचते हुए देखती है। बड़ा मन कर रहा है देखने का, ये मोर कितना सुंदर है, और नाचते हुए तो और भी सुंदर लगता है। काश मैं भी इसकी तरह नाच पाती, बारिश का मजा ले सकती। बिल्ली जिस पेड़ के नीचे बैठी थी उसी पेड़ के ऊपर एक कौआ बैठा था। क्या हो गया, क्या सोच रही हो बिल्ली मौसी? कुछ नहीं, बारिश का मजा लेना चाहते हूँ, पर क्या करूँ, खाली पेट तो कोई मजा नहीं। अरे इतना उदास क्यों होती हो, आओ मेरे पास आओ, इस पेड़ पर बड़े स्वादिष्ट बेर लगे हैं, आओ मैं तुम्हें तोड़कर खिलाता हूँ। अरे वाह, बिल्ली झट से पेड़ पर चढ़ गई। अरे ये तो बहुत अच्छा उपाय है। कौवे ने बिल्ली के लिए खूब सारे बेर तोड़े और दोनों ने मिलकर बेर को खाया। अब कैसा लग रहा है बिल्ली मौसी? अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है और पेट भी भरा हुआ है, मोर भी लगता है नाचते नाचते थक गया, और हम खाते खाते हमें हर चीज में मजा आता है जब हम एक साथ अपनों के साथ रहते हैं। बकरी और मुर्गी। एक दिन एक मुर्गी के पैर में चलते चलते बड़ा सा कांटा चुभ गया। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बहुत दर्द हो रहा है। वही पास में एक बकरी घास खा रही थी। अरे मैं, ये तो मदद कौन मांग रहा है, चलो चल कर देखती हूँ। मैं, क्या हुआ तुम्हें, इतनी चिल्ला क्यों रही हो? मेरे पैर में एक कांटा चुभ गया है, बहुत दर्द हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा, मेरा कांटा निकाल दो बकरी, मेरी मदद करो, नहीं तो मुझे अकेला और घायल पाकर कोई भी मेरा शिकार कर सकता है। मैं जरूर। बकरी ने मुर्गी का कांटा निकाल दिया, मगर मुर्गी के पैर में घाव बहुत बड़ा था, सो चलना बहुत मुश्किल हो गया था। शुक्रिया बकरी बहन, मगर मैं अब चल नहीं पा रही, कुछ करो। बकरी बहुत अच्छी थी, उसने मुर्गी को अपनी पीठ पर बिठा लिया और उसके घर भी छोड़ कर आई। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत मदद की, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब इसी जंगल में रहते हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना और दवाई भी लगा लेना। मैं। और इस तरह मुर्गी की जान बकरी ने बचाई। भालू और रानी मधुमक्खी।
एक दिन भालू बड़े मजे से पेड़ की छांव में बैठा था। तभी उसने देखा कि सामने के पेड़ पर मधुमक्खी का बड़ा सा छत्ता है जिसमें शहद ही शहद है। इतना सारा शहद, अरे वाह, काश ये मुझे मिल जाए, पर कैसे मिलेगा? भालू के मुंह में पानी आ गया। अगले दिन भालू ने हिम्मत कर मधुमक्खी से कहा, कैसी हो रानी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? आपके छत्ते का जवाब नहीं, आप बड़ी मेहनत करती हो और आपकी मेहनत देख मुझे बहुत खुशी मिलती है। क्या कहा, बात क्या है, साफ साफ कहो भालू। अच्छा, वो आपके छत्ते को देखा तो सोचा अब तो बहुत शहद जमा हो चुका है, किसी दिन कोई दावत रखो, हमें भी बुलाओ, जंगल के बाकी जानवर भी बुलाओ, कहीं ऐसा ना हो ये शहद कोई चुरा ले। रानी मधुमक्खी बहुत चालाक थी, वो भालू की बातों में नहीं आई बल्कि उसने चतुराई से भालू से कहा, हाँ हाँ भालू भाई मत समझती, आप क्या कहना चाहते हो? शहद खाने का दिल है आपका, बातें मत बनाओ, मैं सब समझती हूँ। अच्छा, भालू बहुत शर्मिंदा हो गया। तभी रानी मधुमक्खी ने कहा, ये लो भालू भाई, शहद आपके लिए। क्या क्या कहा, मेरे लिए? हाँ आपके लिए, मगर आपको एक वादा करना होगा। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या होता है? बस आपको हर रोज मेरे घर का ध्यान रखना होगा और मेरे छत्ते की रखवाली करनी होगी। मैं हर रोज आपको शहद खिलाऊंगी। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा। ठीक है रानी जी, आज से मैं आपका सेवक, आपके छत्ते का ख्याल रखूंगा, आप मुझे हर रोज शहद दीजिए। इस तरह रानी मक्खी ने चतुराई से इतने बड़े भालू को अपना सेवक बना लिया। सांप और चींटी। एक बड़े से पेड़ पर एक लंबा सा ताकतवर सांप रहता था। उसके पेड़ के पास चींटियों का बड़ा सा घर था जहाँ सभी चींटियाँ मजे से रहती थी। सांप पेड़ के ऊपर से उन्हें देखता रहता। सांप बहुत शैतान था, वो जब भी अपना शिकार ढूंढने निकलता जानबूझकर अपनी पूंछ से चींटियों का घर तोड़ देता। बहुत भूख लगी है, चलो जंगल की सैर पर निकला जाए। और इन चींटियों को भी कई दिनों से सताया भी तो नहीं, आज ही इन्हें मजा चखाता हूँ। सावधान दोस्तों, देखो वो सांप यहीं आ रहा है, खुद को बचाओ, इस सांप ने तो परेशान कर दिया है। जब भी पेड़ से नीचे आता है हमारे घर को नुकसान पहुँचाता है और पल भर में हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है, हमें कुछ करना होगा। हाँ मगर कैसे? मैंने सांप को सबक सिखाने का उपाय सोच लिया है। क्या उपाय? हम कहीं और जाकर अपना घर बनाएंगे? नहीं, हम जहाँ जाएंगे ये वही आ जाएगा, हमें इसे सबक सिखाने के लिए कुछ और करना होगा। मैंने कुछ सोचा है। जब सांप वापस लौटा और अपने पेड़ पर चढ़ गया, वहाँ पहले से रानी चींटी अपने सेनापति के साथ पेड़ पर छुप कर बैठी थी। जैसे ही सांप सुस्ताने बैठा और उसने अपनी आँखों को खोला, तुरंत चींटियों ने लाल मिर्च डालकर सांप की आँखों पर हमला कर दिया। अरे बचाओ बचाओ, ये क्या हुआ? अरे बचाओ बचाओ, ये क्या, मेरी आँखों में इतनी जलन कैसी, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे ये कौन है, बचाओ बचाओ। अब तुम्हें पता चला दूसरों को सताने में तुम्हें बहुत मजा आता है ना? आज तुम्हें भी हम सता के मजे ले रहे हैं। मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तभी चींटियों ने पानी डालकर सांप की आंखों को धो दिया और उसे वादा लिया कि वो कभी चींटियों का घर नहीं तोड़ेगा। मैं वादा करता हूँ इस तरह की शैतानी अब नहीं करूँगा, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। एक जंगल के पास दो देश के राजाओं के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर सेनाएं अपने अपने राज्यों की ओर वापस चली गईं। लेकिन सेना का एक ढोल युद्ध स्थल पर ही गलती से रह गया। एक दिन आंधी आई और वह बेचारा ढोल लुढ़कता लुढ़कता हुआ
जंगल के बीचों बीच एक पेड़ से जाकर जुड़ गया। तेज हवाओं के चलते पेड़ की टहनियां ढोल के एक गिर्द जमा हो गई। जब भी टहनी उस ढोल से टकराती तो उसमें से आवाज आती। एक दिन एक सियार ने ढोल की आवाज सुनी। आवाज सुनकर सियार बहुत डर गया और सोचने लगा, जरूर कोई जानवर है। पर सियार को कुछ समझ नहीं आया। सियार छुप छुप कर डर के मारे ढोल पर नजर रखने लगा। एक दिन वह देखता है गिलहरी ढोल पर कूद रही है और हल्की सी ढंग की आवाज भी हो रही है। ओ, यह कोई डरावना जानवर नहीं है। सियार धीरे धीरे ढोल तक पहुंचा। वह बहुत डरा हुआ था। उसे ढोल का कोई सिर पैर नजर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि पेड़ की टहनी ने उसे बुरी तरह से जकड़कर ढक दिया था। अब समझ में आया, तो जानवर इस ढोल के अंदर है। जरूर मोटा ताजा होगा, तभी इतनी जोर से आवाज आती है। सियार वापस अपने घर आ जाता है और सब कुछ अपनी पत्नी को बताता है। तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? मैं मूर्ख नहीं हूँ, वह तो एक ढोल के अंदर है। अगर मैं उसे एक तरफ से पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरी तरफ से भाग जाता, इसलिए अब हम दोनों उसे पकड़ने चलेंगे। हाँ, तुम तो बड़े समझदार होते जा रहे हो। मेरे साथ रहते रहते यही ठीक रहेगा। कल सवेरे सवेरे हम दोनों जंगल में जाएंगे। अगले दिन सियार और उसकी पत्नी सुबह सुबह दोनों ढोल के पास पहुँच जाते हैं और दोनों एक एक तरफ से चमड़ी के किनारों को काटने लगते हैं। जैसे ही ढोल की चमड़ी कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ ढोल में हाथ डालकर शिकार को पकड़ना है। घबराओ मत, मैंने अच्छे से पकड़ा हुआ है ढोल को। दोनों ने अपने हाथ शिकार को पकड़ने के लिए ढोल में डाले। अरे क्या हुआ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे हम तो बुद्धू बन गए। और इस तरह दोनों मूर्ख बन गए। ढोल